हेलो सर, कैसे हो आप सब लोग। सो इस जिस बाइक का आप लोग वेट कर रहे थे, मतलब अपाचे आरटीआर 160 2V न्यू मॉडल, जिसका कि आप लोग वेट कर रहे इतने दिनों से कि भाई कभी आए और कब हम वीडियो डालें, तो आज जो फाइनली अपने पास आ चुकी है। एंड आज जो इसका फुल डिटेल्ड रिव्यू करने वाले हैं एंड तीनों वेरिएंट्स की जो प्राइस बताऊंगा मैं, तो फिलहाल जो वेरिएंट है ना उसके बारे में बात कर लेते हैं। जो है मिड वेरिएंट है, लाइक इसमें जो आपको ड्यूअल डिस्क मिलता है एंड कुछ फीचर्स इसमें जो है ऐड हुए हैं वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। कुछ क्या लाइक जब अपन ने लॉन्च देखा था ना, तो तब लग रहा था कि यार थोड़े बहुत नए फीचर आए, बट अब जो रियल लाइफ में देख रहा हूँ तो मेरे को इसमें काफ़ी सारे चेंजेस लगे। तो चलिए सभी के बारे में धीरे धीरे लाइक बात करते हैं। और इसमें जो है ना आपको ये जो अपना फुली डिजिटल कंसोल मिलेगा, राइडिंग मोड्स इसके अंदर भी मिल जाएंगे, लेकिन इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी नहीं मिलेगी आपको। और इसका जो ऑन रोड प्राइस है ना इस वेरिएंट का, लाइक मिड वाले वेरिएंट का जिसमें आपको ड्यूअल डिस्क मिलता है, इसका ऑन रोड प्राइस मैं आपको बताता हूँ, तो वो जो है लगभग 1,46,000 करीब जो है ऑन रोड है दिल्ली में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फ्रंट से। सो फ्रंट में जो है इस DRL पहले की तरह बिल्कुल कोई चेंजमेंट नहीं है। यहाँ पे जो LED आपको हेडलाइट दे दी गई है, नीचे जो है लॉबी में, ऊपर हाई बीम में, तो हाई बीम मैं आपको दिखाता हूँ, बट यहाँ पे जो है स्टार्ट होने के बाद आई थिंक वो काम करेगी। तो पहले जो इसको स्टार्ट करते हैं एंड देन देखते हैं कि हाई बीम इसकी कैसी है। तो अभी आप देखना, तो ये है इसकी हाई बीम। उसके बाद अभी एग्जॉस्ट साउंड भी मैं आपको सुनाई देता हूँ। तो मतलब पावर जो है भाई अब की बार फील हो रही है, मतलब जबरदस्त साउंड है। साउंड तो पहले जैसी है, बट अभी जो है ना पावर आपको एक्स्ट्रा फील होगी इसके अंदर। उसके बाद गए इसमें आऊँ साइड में, तो साइड प्रोफाइल में आपको इंडिकेटर्स जो है मिल जाते हैं हेलोजन में, अपने सस्पेंशन जो है मिल जाते हैं टेलीस्कोपिक। थोड़ा सा साइज इनका बढ़ना चाहिए था भाई, बहुत ही पतले सस्पेंशन है सीरियसली, मतलब इतने साइज़ के मतलब सस्पेंशन है ना कि भाई मैं क्या बोलूँ, मतलब ऐसे पतले पतले लगते हैं बिल्कुल ही। तो ये जो है लीक भी काफ़ी जल्दी हो जाते हैं, तो ये थोड़े से और बड़े हो जाते हैं तो मज़ा आ जाता है। उसके बाद ABS मिल जाता है आपको इसमें, सुपर मोटे ABS, सिंगल चेयर ABS मिलेगा। फ्रंट में डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं एंड जो है यहाँ पे व्हील में आपको टेपिंग वगैरह देखने को मिल जाएगी। उसके बाद अपने वही ब्रेक कैलिपर्स वगैरह जो पहले अपने को मिलते थे। फ्रंट में जो टायर सेक्शन है ना वो आपको बता दूँ, तो फ्रंट में 90 सेक्शन का टायर मिलता है आपको, और आई थिंक रियर में 120 सेक्शन का टायर है। अभी चलते हैं साइड प्रोफाइल में, लेकिन उससे पहले एक चेंज दिखाता हूँ। तो ये जो यहाँ पे दिया है ना अब की बार लाइक लुक्स के लिए दिया है वेंट टाइप दोनों साइड दिए हैं, तो वो जो अब की बार नया दिया जो कि पहले नहीं था, तो वो भी अभी इन्होंने चेंज कर दिया है। उसके बाद में भाई इंडिया का यहाँ पर लोगो दिया गया है। साइड प्रोफाइल में आऊँ तो यहाँ पर अपने को हॉर्स का लोगो मिल जाता है एक नए पैटर्न में, एंड यहाँ पे जो एक अलग से कावल दिया है जिसके ऊपर लिखा गया है RTFI, तो ये भी जो अब की बार नया ऐड कर दिया गया जो कि पहले नहीं था। एंड ये जो कलर है ना, ये ब्लैक कलर इसका, जो कि आई थिंक अभी तक आपने नहीं देखा होगा, तो ये भी जो है कलर देखने में काफ़ी ख़तरनाक लग रहा है। नीचे आऊँ तो भाई यहाँ पर जो है ना इसका जो इंजन कावल है ये भी चेंज कर दिया गया है। इसकी जो ग्रिल है ना ये अभी आपको डिफरेंट मिलेगी, और देखने में काफ़ी स्पोर्टी लग रहा है, मतलब ज़बरदस्त लग रहा है भाई, मेरे को तो काफ़ी सही लगा। ड्यूअल हॉर्न है, एक ये रहा एक बोरा, तो ड्यूअल हॉर्न है, काफ़ी ज़बरदस्त साउंड आपको देखने मिलेगी। ये अपना इंजन है जो कि लगभग 16 PS की पावर देता है, 160 CC का इंजन है जो कि एयर कूलिंग के साथ में आता है, ना लिक्विड कूलिंग है ना ही ऑयल कूलिंग है, तो वो अपना इंजन यहाँ पे मिल जाएगा आपको। और पावर जो अच्छी खासी है भाई इसकी, लगभग टॉप स्पीड जाती है 130+, तो टॉप स्पीड वगैरह भी अच्छी खासी दे देगा। माइलेज भी जो है आपको 40 से 45 तक दे देगी भाई, क्योंकि इतनी तो जो है पहले भी दे ही देती थी, तो वो जो है अभी भी मिल जाएगी क्योंकि इंजन जो है और ज़्यादा स्मूथ हो गया, रिफाइन हो गया, तो आपको जो है ना माइलेज अच्छी मिलेगी पहले से। साइड पैनल पे आओ ना, तो यहाँ पे कार्बन फाइबर फिनिश दे रखी है, बट ये जो स्टिकरिंग है तो ओरिजिनल कार्बन फाइबर नहीं मिलेगा आपको इस सेगमेंट की बाइक्स में। अपाचे का जो है यहाँ पे आपको स्टिकर मिल जाएगा, यहाँ से आप की लगा के जो है साइड पैनल को ऑन कर सकते हो, बैटरी वगैरह जो है कनेक्शन वगैरह करना है या फिर कुछ भी बैटरी में चेंजमेंट करना है तो उसके लिए जो यहाँ पे दिया गया है स्लॉट। ये जो है फ्रंट फुटरेस्ट है, रियर ब्रेकिंग है, और यहाँ पे TVS की लाइक TVS रेसिंग स्टिकर, जो काफ़ी अच्छा लगा मेरे को। उसके बाद यहाँ पे सस्पेंशन आपको स्प्रिंग सस्पेंशन आपको मिलेंगे पीछे MIG के, तो यहाँ पे जो है अपने नाइटर सस्पेंशन है, तो काफ़ी सही कंफर्ट आपको दे देंगे। उसके बाद में रियर फुटरेस्ट एंड ये जो है ना इसका डिज़ाइन काउल लाइक जो एग्जॉस्ट है वो भी जो है नया दे दिया अब की बार, यहाँ पे जो है अलग फिनिशिंग है, यहाँ पे अलग है, तो ये भी जो है नया पैटर्न अब की बार दिया है, तो अच्छा लग रहा है ये भी। उसके बाद सिंगल सीट आपको यहाँ पे मिल जाएगी, यहाँ पे जो है रेड स्टिचेज आपको मिलेंगे, लाइक जो बीच का धागा है ना वो रेड कलर में, और देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। यहाँ पे जो है आपको फिनिशिंग काफ़ी अच्छी मिलेगी, लाइक जल्दी जो है आपको प्रॉब्लम नहीं होगी बैक में या फिर कुछ भी, तो कंफर्ट जो अच्छा खासा मिलेगा, बिकॉज कुछ नहीं है ना वो ठीक ठाक है। यहाँ पे अपने को वेंटिलेशन मिल जाता है ये थोड़ा सा, तो ये भी जो है अच्छा खासा है। उसके बाद टैंक आप देख लो, ये अपना टैंक है, डिज़ाइन वगैरह देखो, ग्राफिक्स देखो। उसके बाद यहाँ पे रेसिंग सिंस 1982 ये अपने को देखने मिल जाएगा,
ये अलग से अब की बार ऐड कर दिया इसके अंदर भाई, बट ये वाइब्रेट कर सकता है आने वाले टाइम में, बट फिलहाल तो फिट है भाई, अभी तो कोई दिक्कत होगी नहीं। उसके बाद में और पीछे चलूँ तो यहाँ पे RTR 160 की स्टिकरिंग, यहाँ पे अपने को अलग से स्टिकरिंग, ये जो है टेल लाइट है जो कि नई अब की बार कंपनी ने इंट्रोड्यूस की है, तो ये भी जो है देखने में अच्छी लग रही है, मतलब DRL दे दिया अलग यहाँ ऐसे, और बीच में आपको लाइट मिल जाती है ब्रेक, जो कि मैं अभी अप्लाई करके दिखाता हूँ आपको। तो ये इसके अंदर ही जलेगी, मतलब बीच में कोई भी लाइट नहीं है, ये आपको इन्हीं के अंदर देखने मिलेगी, मतलब DRLs के अंदर यहाँ पर कोई भी लाइट नहीं दी गई है, तो ये अपने को मिल जाता है। उसके बाद में यहाँ पे नंबर प्लेट लग जाएगी, हेलोजन बल्ब दिया गया है, हेलोजन इंडिकेटर है, और पीछे 126 का टायर दिया गया है, डिस्क ब्रेक पीछे दिया गया है, काफ़ी अच्छी ब्रेकिंग है अपाचे की, मतलब पहले से ही, क्योंकि ये जो पैटर्न मिलता है ना आपको डिस्क का, डिफरेंट शेप, होल वगैरह ये सब, ये आपको भाई मतलब मैंने तो लाइक TVS में ही देखा है भाई ऐसा, ये कटिंग वाला जो डिस्क होता है ना ये, और इसकी वजह से काफ़ी ज़बरदस्त ब्रेकिंग भी होती है। उसके बाद में गाइस मैं इस साइड में आऊँ तो यहाँ पे ग्रैब रेल अपने को सेम मिलेगी, साड़ी गार्ड अपने को मिल जाता है, और सस्पेंशन अपने को नाइट्रोक्स। उसके बाद में सेम पैनल, 5-speed का गेयरबॉक्स है, साइड स्टैंड कट ऑफ फीचर के साथ में आती है बाइक, साइड स्टैंड और सेंटर स्टैंड दोनों मिल जाते हैं। साइड स्टैंड कट ऑफ फीचर मतलब जब बाइक गियर में होगी तो बाइक स्टार्ट नहीं होगी, और जैसे गियर में लाइक आपने बाइक ऑन करके और स्टैंड लगा दिया गियर में तो अभी बाइक बंद हो जाएगी, तो फीचर अपने को मिल जाता है। अभी चलते हैं सेंटर में और देखते हैं क्या कुछ नए फीचर आए इसके अंदर। सबसे पहले मैं ऑफ़ करता हूँ तो ये देखो नया डिजिटल मीटर कंसोल आ गया है। कुछ लोगों को ये अच्छा नहीं लगा, कुछ लोग बोल रहे हैं कि भाई वो पुराना वाला ही अच्छा लगता था, तो आई थिंक कुछ लोगों को जो है अच्छा नहीं लगा ये, और पुराना वाला जो है वैसे अच्छा लगता था, बट कंपनी जो है अपडेट करती रहेगी ये सब चीज़ें, तो ये भी जो थोड़े दिनों में आदत लग जाएगी आपको देखने की। बट भाई जो लुक्स आ रहे हैं ना, मतलब देखने में ये भी शानदार लग रहा है, ऐसा नहीं है कि ये बेकार लग रहा है, ये जो पूरा डिज़ाइन बनाया है ना यहाँ से यहाँ तक का, ये तो इसकी वजह से पूरा जच रहा है ये आप देख रहे हो। बाकी जो है ये तो भाई अपाचे का हमेशा डीले होते रहते हैं, तो इनको आप ऐसे ढालने की भाई आदत ढाल लेना, ठीक है। तो ये अपने साइड मिरर से मतलब ठीक ठाक अपने को व्यू मिल जाता है इनसे, बीच में TVS लाइक RTR 160 और राइडिंग मोड का बटन, सेल्फ लाइक यहाँ पे जो आप सेल्फ का बटन मिल जाता है, ये इग्निशन का बटन है, यहाँ पे पासिंग लाइट है, और यहाँ पे हाई बीम लो बीम है, इंडिकेटर है, एंड हॉर्न है, ड्यूअल हॉर्न है, इतनी ज़बरदस्त साउंड है ना कि भाई बंदे के कान फट जाएंगे। उसके बाद ऊपर जो RPM मीटर मिल जाता है, यहाँ पे अपने को टाइमिंग मिल जाती है, यहाँ पे 3 राइडिंग मोड्स मिल जाते हैं, बटन यहाँ है, यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। तो ये 3 राइडिंग मोड्स मिलते हैं आपको, लाइक स्पोर्ट्स मोड मिल जाता है, रेन मोड मिल जाता है, एंड अर्बन मोड मिल जाता है। बीच में स्पीडोमीटर है, और यहाँ पे जो अपने को फ्यूल मीटर मिल जाएगा, यहाँ पे ऑडोमीटर मिल जाता है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन अपने को मिल जाएगी। बाकी दो बटन मिल जाते हैं यहाँ पे, जिसमें कि हाई स्पीड यहाँ पे दिखा रहा है 31, और यहाँ पे जो अपने टाइमर वगैरह है इसमें, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। उसके बाद में ना आप को एक और बटन मिल जाता है इधर सेट वगैरह करने के लिए, तो यदि मैं इसको दबा के रखता हूँ ना तो लाइक यहाँ से आप ट्रिप AB वगैरह को सेट कर पाओगे आई थिंक, तो वहाँ पे लाइक दो बटन आपको मिल जाते हैं, देख सकते हो 0 सेट हो गया, तो दो बटन मिलते हैं और ये सारे फीचर्स अपने को मिल जाते हैं। बाकी ठीक है, मतलब बाइक देखने में बढ़िया लग रही है। ऑन रोड प्राइस मैंने आपको बता दिया इसकी 145,800 रुपीज़ है ऑन रोड, और इससे जो नीचे वाला वेरिएंट है बेस मॉडल उसके 142,000 है, इसके 146,000 ऑन रोड, एंड जो टॉप एंड वेरिएंट है वो लगभग 1.5 लाख रुपए का ऑन रोड पड़ता है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी भाई अपाचे RTR 160 के रिलेटेड, अभी कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट करो। बाकी गाइस ये तो कुछ आज की वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू गाइस।